केंद्र सरकारे सट्टाबाजी एप और वेबसाइट पर सकंजो कसी मोटी कार्यवाही करी छे। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय देश में 22 गैरकायदेसर एप और वेबसाइट पर प्रतिबंध लगावानो आदेश जारी कर्यो छे। आ मामले इलेक्ट्रॉनिक्स और माहिती टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णवना मंत्रालय आदेश बहार पाड्यो छे, जे मुजब गैरकायदेसर सट्टाबाजी माटेनी मोबाइल एप और वेबसाइटों ने ब्लॉक करवामां आवशे। केन्द्र सरकार निवेदन मुजब इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखरे कहूं कि छत्तीसगढ़ सरकार पासे आईटी एक्ट की कलम 69 ए मुजब वेबसाइट एप बंद करावानी भलामण करवा माटे संपूर्ण सत्ता हती, तेम छता तेमणे आवुं न कर्युं। राजीव चंद्रशेखरना जणाव्या मुजब छत्तीसगढ़ सरकारनो दावो छे कि छेल्ला दोढ़ वर्षथी महादेव आप केसमां तपास चाली रही छे, जो कि ईडीए प्रथम अने एकमात्र विनंती कर्या बाद केन्द्र सरकारे आ बाबतने ध्यानमां लीधी अने प्रतिबंध लगावानी कार्यवाही करी छे। तो छत्तीसगढ़ सरकारने आवी विनंती करवा माटे कोईए रोक्या न हता। छत्तीसगढ़ विधानसभा चूंटणी वच्चे सट्टाबाजी एप महादेव बेटिंग एप चर्चा में छे, जो कि विवाद थया पछी केन्द्र सरकारे महादेव बेटिंग एप पर प्रतिबंध मुकी दीधो छे। केन्द्र सरकारे आ बेटिंग एप सहित 22 गैरकायदेसर अन्य एप्लिकेशन अने वेबसाइट पर प्रतिबंध मुक्यो छे, त्यारे आ बधा वच्चे महादेव एपनो मालिक होवानो दावो करनार शुभम सोनी व्यक्ति पण सामे आव्यो छे। युवके वीडियो जारी करी कह्युं हतुं कि महादेव बेटिंग एपनो मालिक छे, तेणे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पण आरोपो लगाव्या छे। महादेव एपनो मालिक होवानुं कहनार शुभम सोनी नामना व्यक्तिए पोतानुं पान कार्ड, आधार कार्ड अने पासपोर्ट पतावी दावो कर्यो छे कि वर्षमां 2021 महादेव बेटिंग एपनी शुरुआत करी हती अने कह्युं कि भिलाईथी नानुं बुकिंग शुरू कर्युं अने बुकिंगनी नाणा आवा लाग्या, तेनी लाइफस्टाइल पण बदलाई गई। जो कि बेटिंग एपनो पर्दाफाश थया बाद तेने માણસો પણ પકડાવા લાગ્યા, ત્યારબાદ વર્માજીના સંપર્કમાં આવ્યો, તેણે તેમને પ્રોટેક્શન વગર મહિને 10 લાખ રૂપિયા આપવાનું શરૂ કર્યું। વધુમાં તેમણે કહ્યું કે બિટ્ટુ ભૈયા દ્વારા 508 કરોડ રૂપિયા અપાયા છતાં મને સમસ્યા નડી રહી છે। આ મામલે શુભન સોનીએ કહ્યું છે કે તેના લખેલા નિવેદનમાં સ્પષ્ટ છે કે કેટલાક નાણાં કોને કોને ક્યારે કઈ રીતે અપાયા છે। સોનીએ મોદી સરકારને વિનંતી કરી કે તે પોલિટિક્સ સિસ્ટમમાં ફસાઈ ગયો છે, તે ઇન્ડિયા આવવા માંગે છે। तो मैं महादेव बुक का ओनर हूँ, मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में, और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया, अब काम बढ़ता गया, उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे, तो सब नोटिस करने लगे मेरे, मतलब जो आस पास के लोग हैं वो लोग नोटिस करने लगे। धीरे धीरे बात ऊपर तक गया तो फिर कंप्लेन वगैरह भी होने लगा। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चूंटणीना प्रथम तबक्कानी 20 बैठकों माटे 7 नवेम्बरना रोज मतदान करवामां आवशे। मोहला, अंतांगढ़, कांकेर सहितना 10 बैठकों माटे मतदान सवारे 7 वाग्याथी 3 वाग्या सुधी अने प्रदेशनी अन्य 10 बैठकों माटे सवारे 8 थी सांजना 5 वाग्या सुधी मतदान करवामां आवशे। कांकेरना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रियंका शुक्लाए जणाव्यू कि चूंटणी पंचना निर्देशों अनुसार सुरक्षा व्यवस्था गोठवामां आवी छे। अमारो प्रयास छे कि सुरक्षा सुनिश्चित करवामां आवे, जेथी करीने लोको समयसर मतदान करवा माटे पहोंचे अने डर्या विना मतदान करे। अमे वेबकास्टिंग पण करी रह्या छे अने माइक्रो ऑब्जर्वर पण निमणूक कर्या छे। अमे मतदार जागृति अभियान पण चलाव्यो हतो। ड्रोन्स के माध्यम से हम स्काई से भी नजर रखेंगे, आकाश से भी नजर रखेंगे। देखिए, सिक्योरिटी सुनिश्चित करना सबसे बड़ा हमारा दायित्व है, जिससे लोग निर्भीक होकर के आकर के वोट कर सके। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कुछ भी न छूटे और लोग बिल्कुल भयमुक्त वातावरण में वोट कर सके। जो CAPF है, जो सेंट्रल पुलिस सेंट्रल प्रोटेक्शन फोर्सेज जो आई हुई हैं, उनका पैरामिलिट्री फोर्सेज जो आई हुई हैं वो वहाँ पर रहेंगी, और साथ ही हम लोग वेबकास्टिंग भी कर रहे हैं उनका। डायरेक्ट जो है आप आयोग की वेबसाइट पर आप डायरेक्ट वेबकास्टिंग देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी वहाँ पर रख रहे हैं। चालू महीने 5 राज्यों में विधानसभा की चूंटणी थवानी छे, त्यारे कांग्रेसना सांसद राहुल गांधीए उत्तराखंड की मुलाकात लीधी हती अने केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना कर्या बाद तेमणे लोको साथे समय पसार कर्यो हतो, चानी चुस्की पण माणी हती। आ दरमियान राहुल गांधी लोकोने चा वेंचता पण जोवा मळ्या हता, तो आ प्रसंगने कांग्रेस चा सेवा गणावी हती। राहुल गांधी 3 दिवस माटे उत्तराखंडना प्रवासे पहोंच्या छे। कांग्रेस नेताओ साथे ज केदारनाथना अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने तेमनु स्वागत कर्यू हतु। आ तेमनी धार्मिक यात्रा हती। कांग्रेसना नेता राजकुमार तिवारीए जणाव्यू कि राहुल गांधी केदारनाथ धाममां सांजे आरतीमां जोड़ाया हता। राहुल गांधीए आ मामले एक ट्वीट करीने पोस्ट करी हती।
जम्मू काश्मीर डीजीपी रश्मि रंजन सेने जणाव्यु के गंभीर गुना में संडोवायेला आरोपीओ जामीन की शर्तों योग्य पालन करे छे के केम तेना पर नजर राखवा माटे जीपीएस ट्रेकर की मदद लेवामां आवी छे। मामला में कानूनी कार्यना संदर्भ जोड़ायेला छे। आतंकवाद मादक द्रव्योनी दाणचोरी अथवा जघानी अपराधों में सामेल लोगों ने जामीन मळवा बाद जीपीएस ट्रेकर की मदद लेवामां आवशे। पुलिस आतंकी प्रवृत्ति में शामिल आरोपी पर जीपीएस ट्रेकर लगाव्यो छे अने तेना पर नजर राखवामां आवी रही छे। टेक्नोलॉजी की मदद की आरोपी अन्य कोई गुना में शामिल न थाय अने पुरावा साथे चेड़ा न करे ए पण सुनिश्चित करवामां आवशे। कायदो शर्तों ने आधीन आरोपी ने जामीन आपे छे। आ ट्रेकर थकी पुलिस कोर्ट ना आदेश नु पालन थाय के केम तेना पर नजर राखी शकशे। मैं खुशी इस बात की है कि पहला ट्रैकर हमने लगाया, ये जो शख्स जिनके ऊपर लगाया गया, मुझे बताया गया है कि ये 50 लाख रुपए सिलेंडर में लेके जा रहे थे टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट फाइनेंसिंग के लिए, पकड़े गए थे ये रंगे हाथ। तो अब पिछले दिनों में हम अभी ट्रैकर के जरिए हम इनकी मूवमेंट और उनकी बेल कंडीशंस को मजबूती से हम उसको कोर्ट का ही ऑर्डर को पालन कर पाएंगे। उद्धव ठाकरे समूह ने शिवसेना नेता संजय राउते जणाव्यु के केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहे विपक्षी इंडिया गठबंधन विषय चर्चा करवानी जरूर नहीं, तेमने पांच राज्यों में थवानी विधानसभा चूंटणीओ पर ध्यान केन्द्रित करवू जोईए। गठबंधन में समस्या उकेल लावा माटे नेता सक्षम छे। इंडिया गठबंधन वर्ष 2024 लोकसभा चूंटणी ने ध्यान में राखीने रचवामां आव्युं छे। जे पांच राज्यों में विधानसभा चूंटणीओ थवानी छे त्यारे कांग्रेस पार्टी नंबर वन पार्टी छे। जो आपणे विधानसभा चूंटणी में भाजपने हरावीशु नहीं तो लोकसभा चूंटणी की तैयारी केवी रीते करीशुं। पांच राज्यों में चूंटणी पूरी थया बाद फरीथी विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठकों थशे। अमित शाह जी ने पांच राज्यों का चुनाव है वहां ध्यान देना चाहिए, वहां बीजेपी हार रही है और इंडिया अलायंस ही उनको हरा रहे हैं। इंडिया अलायंस में क्या करना है क्या नहीं करना है, इंडिया अलायंस के जो लीडर्स हैं वो समर्थ है, वो सक्षम है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है, ये नहीं है। क्या ठीक नहीं है? इंडिया अलायंस की जो फॉर्मेशन है वो खास करके लोकसभा चुनाव 2024 वो सामने रखकर हम इंडिया अलायंस बनाया है। सतत सातमा दिवसे दिल्ली की हवा एटली झारी बनती जाए छे के हवे आ हवा में जीव मुश्किल छे अने प्रदूषण नु स्तर गंभीर रीते श्रेणी में पहुंची गयु छे। वधता हवा प्रदूषण ने पगले दिल्ली में आज उच्चस्तरीय बैठक योजावानी छे, जेमा प्रदूषण ने रोकवाना अनेक मुद्दाओं पर चर्चा करवामां आवशे। प्रदूषण ने पगले कमिश्नर फॉर एर क्वालिटी मैनेजमेंटे रविवार ग्रेडेड रिस्पोन्स एक्शन प्लान नो चार तबक्को लागू कर दीधो छे। आ पछी दिल्ली में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगावी देवामां आव्यो छे। अत्यार सुधी दिल्ली में ग्रेप 3 लागू हती, परंतु प्रदूषण नु स्तर वध्या बाद ग्रेप 4 लागू करवानो निर्णय लेवामां आव्यो छे। डीजल वाहनों में फक्त ते वाहनों ने ज छूट आपवामां आवी छे जे आवश्यक चीज वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं पूरी पाड़े छे। शहर में डीजल थी चालता मीडियम गुड्स व्हीकल्स और हेवी गुड्स व्हीकल्स पर प्रतिबंध मुकवामां आव्यो छे। अगाउ ग्रेप 3 तबक्का में सीएक्यूएमए डीजल BS4 और तमाम BS3 खानगी कार पर 2 नवम्बर थी प्रतिबंध मुक्यो हतो। भारते एकतरफी मैच में दक्षिण आफ्रिका ने 243 रने हरावी ने वनडे वर्ल्ड कप में सतत 8मी जीत नोंधावी छे। आ साथ ज भारते पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर रहेवानो निर्णय कर्यो छे, एटले के सेमीफाइनल में भारत नो सामनो चौथा स्थाने रहेली टीम साथे थशे। विराट कोहली ने रेकॉर्ड 49मी सदी ना कारणे कोलकाता ना ईडन गार्डन स्टेडियम में टॉस जीत्या बाद भारते टॉस जीतीने 50 ओवर में 5 विकेट गुमावीने 326 रन बनाव्या हता। विराट कोहलीए पोताना 35मा जन्मदिवस ने करोड़ क्रिकेटर्स फैंस ने यादगार गिफ्ट आपी। तो ईडन गार्डन में सदी साथे कोहलीए वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर 49मी सदी रेकॉर्ड की बराबरी करी। श्रेयस अय्यरे 77 रन बनाव्या हता। जवाब में दक्षिण आफ्रिका 27.1 ओवर में 83 रन स्कोर पर ऑल आउट थी गयु हतु। तो भारत तरफ थी रविन्द्र जाडेजाए सौथी वधु 5 विकेट लीधी हती। मोहम्मद समी अने कुलदीप ने 2-2 अने मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट मळी हती। भारते 20 वर्ष बाद वर्ल्ड कप में सतत 8 मैच जीती छे। आ पहला टीम इंडियाए 2003 वर्ल्ड कप में एक पछी एक 8 मैच जीती हती।
राजस्थान में विधानसभा चूंटणी माहौल वच्चे एक पछी एक ईडी दरोडानी कार्यवाही ने लीधे राजकारण गरमायुं छे, जेने लईने मुख्यमंत्री गहलोते आ मामले चूंटणी पंच समक्ष रजूआत करता हस्तक्षेपनी मांग करी छे। तेमणे कह्युं के केन्द्रीय तपास एजेंसीओ मात्र विपक्ष ने निशान बनावी रही छे, जे योग्य बाबत नथी। आजादी बाद भारत में पहलीवार ईडी आवकवेरा विभाग और सीबीआई जेवी केन्द्रीय तपास एजेंसीओए आदर्श आचार संहिता दरमियान जावी कार्यवाही करी छे। भाजप पर निशान साधता गहलोते कह्यू के आवी कार्यवाही लोकशाही मूड में नहीं, तेम छता केन्द्रनी भाजप सरकार तेने प्रोत्साहन आपी रही छे, ज्यारे केन्द्रीय एजेंसीओ ने दुरुपयोग करीने चूंटायेली सरकार ने तोड़ी पाड़वानुं षड्यंत्र रचवामां आवी रह्युं छे। वडाप्रधान मोदी रविवारे छत्तीसगढ़मां डोंगरगढ़ पहोंच्या हता, ज्यां तेमणे सौथी पहला मां बमलेश्वरी मंदिरमां पूजा अर्चना करी हती। आ दरमियान तेमणी साथे रमणसिंह पण जोवा मळ्या हता। वडाप्रधान मोदीनी डोंगरगढ़नी मुलाकातना अनेक अर्थ काढवामां आवी रह्या छे। देशमां थोड़ा महीना पहला ज जैन साधुओनी हत्या बाद समाजमां रोष हतो, परंतु वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीनी आचार्य विद्यासागर महाराज साथेनी मुलाकातने पण तेनी साथे जोड़वामां आवी रही छे। जैन मतदारों ने रिजवा अने विविध विषयों पर चर्चा करवा माटे आ टूंकी मुलाकात मानवामां आवी रही छे। छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश अने राजस्थान में विधानसभा की चूंटणी छे, त्यारे आ बैठक ने तेनी साथे पण जोड़वामां आवी रही छे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी की डोंगरगढ़ की मुलाकात ना कारणे डोंगरगढ़ ने पोलीस छावणी में फेरवी देवामां आव्युं हतुं। मध्यप्रदेश सीओनी में जाहिर सभा ने संबोधता वडाप्रधान मोदी जणाव्यु कि राजकारण में एक टोळकी छे, जे मात्र 5-10 लोगों ने सवाल पूछी और केटलीक गणतरी कर्या बाद पोतानुं मन बनावे छे, परंतु हूँ कहवा मांगु छू कि तेमणे अहीं आवीने जोवुं जोईए कि कोण जीती रह्युं छे। अमारा संसद सभ्य कहवा हता कि 30 वर्ष पछी अहीं आवनार वडाप्रधान बन्यो छू, हूँ नसीबदार छू कि मने आ तक मळी छे। भाजप छे तो विश्वास छे, भाजप छे तो विकास छे, भाजप छे तो सारू भविष्य छे। मध्यप्रदेश में युवानों, महिलाओं और वृद्धों दरेकना मन में मोदी छे। महाकौशल्य भाजप ने वारंवार आशीर्वाद आप्या छे, आ वक्ते पण महाकौशल्य भाजप की भव्य जीत नक्की करी छे। मैं साफ कहता हूं दोस्तों, ये जो राजनीति में गुणा भाग करने वाली एक टोली रहती है, हिसाब किताब करती रहती है, 5-10 लोगों को पूछ करके मन बना लेती है, वो जरा यहां आकर के नजर कर ले, विजय कहां होती है ये दिखता है। हमारे सांसद महोदय मुझे कह रहे थे कि 30 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री यहां आया है। मध्यप्रदेश में वडाप्रधान मोदी जणाव्यु कि वर्ष 2014 में पहला कांग्रेस शासन में 2-2 लाख करोड़ रूपयाना कौभाड हता, परंतु वर्तमान भाजप सरकार शासन गोटाळा थता नथी। गरीबों हक अधिकार माटे ते पैसा बचाव्या हता, ते हवे गरीबों राशन पर खर्चवामां आवी रह्या छे। कौभाड़ी कांग्रेस सरकार अने भाजप सरकार वच्चे आज सौथी मोटो तफावत छे। पीएम मोदीए कह्युं कि हूँ गरीबीमांथी बहार आव्यो छुं, मारे पुस्तकों में गरीबी शुं छे ते वांचवानी जरूर नथी, तेथी मैं नक्की करूं छे कि प्रधानमंत्री अन्न योजना डिसेम्बर में पूरी थशे, त्यारे गरीबों ने मफत राशन की गेरंटी आगामी 5 वर्ष सुधी लंबावामां आवशे। से पहले छत्तीसगढ़ सुकमा में जाहिर सभा ने संबोधता उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जणाव्यु कि कांग्रेस पार्टी इच्छती नहीं कि अयोध्या में राम मंदिर बने, जो कांग्रेस इच्छती होत तो तेणे पोताना सरकारना लांबा शासनकाल दरमियान तेनु निर्माण कराव्यु होत। कांग्रेसे राम मंदिर निर्माण न करावी विवाद उभो कर्यो हतो।
तो आरोप लगावता कह्यु कि कांग्रेस शासन में राम भक्तों ने मार मारवामां आवतो हतो। कांग्रेस पार्टी ने ए पण खबर नथी कि भगवान रामनुं अस्तित्व छे के नहीं। आ लोकोए भगवान रामना अस्तित्व पर जे सवाल उठाव्या हता। छत्तीसगढ़ विधानसभा चूंटणी माटे तबक्कामां मतदान थयुं छे तो 7मी नवेम्बर अने 17मी नवेम्बर रोज लोको मतदान करशे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, भारत के अंदर राम राज्य की उद्घोषणा की शुरुआत है। राम राज्य की स्थापना, राम राज्य का मतलब एक ऐसा शासन जिसमें जाति, मत और मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर वंचित को, हर आदिवासी को, हर नागरिक को उपलब्ध हो सके, उन्हें हर प्रकार की सुरक्षा मिले, संसाधनों पर उनका पूरा अधिकार हो, उन्हें हर प्रकार की सुविधा का लाभ भी प्राप्त हो, इसी को राम राज्य कहते हैं। मध्य प्रदेश में जाहिर सभा ने संबोधता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयले जणाव्यु कि भाजप फरीवार मध्य प्रदेश में सरकार बनावशे। पीएम मोदी नेतृत्व में डबल एनजी की सरकार राज्य में विकास लावशे। मध्य प्रदेश पर पूरो विश्वास छे। जेम पीएम मोदी दिल मध्य प्रदेश रीते राज्य पीएम मोदी पीएम मोदी की लोकप्रियता और राष्ट्र ने नवी ऊंचाईओ पर लई जवाना संकट की प्रशंसा कर रो छू। अगाउ सरकार 2 लाख टनो बफर स्टॉक राखती थी, हवे अनिश्चित चौमासा ने ध्यान में राखीने बफर स्टॉक वधारीने 5 लाख टन करवामां आव्यो छे। राजकीय पक्षों आगामी चूंटणी माटे कमर कसी छे। 5 राज्यों में विशाल रेलीनुं आयोजन करवामां आवी रह्युं छे तो मध्य प्रदेश में 17मी नवेम्बर रोज मतदान करवामां आवशे।